लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो लाओ ये दोनों बकरियां दे दो मुझे। दोनों बकरियां? किंतु मैंने तो केवल अपनी छोटी बकरी के विक्रय की बात की थी। देखो तुम अपने वचन से फिरो मत। मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी दोनों बकरियों का मोल निर्धारित किया था, भूल गए क्या? किंतु मैंने तो केवल एक ही बकरी का मूल्य तय किया था। तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फिर आप इन लोगों से ही क्यों नहीं पूछ लेते? बताओ बंधु। हाँ बंधु, इन्होंने तो पहले ही साफ साफ पूछ लिया था आपसे कि आपकी बड़ी बकरी के साथ छोटी बकरी का मोल तय कर लूं। और आप मान भी गए थे। अब जब दोनों बकरियों का मूल्य तय हो गया है तो आप पीछे नहीं हट सकते। किंतु ये तो छल है, मैंने तो केवल एक ही बकरी का मूल्य तय किया था। भला कोई एक बकरी के मूल्य में दो बकरियां क्यों बेचेगा? वो मैं नहीं जानता। देखो मेरे पास दो दो साक्षी हैं, तुम्हारे पास क्या है? चलो ये लाओ, दे दो बकरियां, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। किंतु ये तो छल है। प्रभु अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। रोना बंद करो, जो रोता है वो खोता है, और जैसे को तैसा प्रत्युत्तर देना सीखो। ऐसे लोगों के साथ यही युक्ति कार्य करती है। और इस प्रकार कील के साथ साथ उस नाविक से हमने उसकी नौ भी हड़प ली। वाह भैया वाह। अरे कोई ठगी के गुण तो आपसे सीखे। भैया कोई दूसरा क्यों सीखे, सीखने के लिए हम हैं ना। क्यों भैया, सिखाएंगे ना हमें? हाँ हाँ अवश्य, इसीलिए तो तुम दोनों को साथ रखता हूँ। इस विद्या में ना तो धन लगता है ना ही कोई वस्तु, बस आखेट करना होता है, वो भी उन लोगों के साथ जो दिखने में बहुत ही सीधे साधे और भोले लगते हो। जैसे वो बकरी वाला। ये यहाँ आ रहा है और इसके साथ ये कौन है? अभी दिखाता हूँ मैं उसे। अरे भैया भैया भैया, काहे बल दिखा रहे हो भैया? तोरा डर से तो बाघ सींग अज गज पूरा जंगल छोड़कर भाग गए। ई बेचारा तो शांति पूर्वक हाथ जोड़ के खड़ा है आपके समक्ष। फिर ये यहाँ आया क्यों है? पूछो, आपने इसको इतना सारा धन दिया था ना, वो तो कोई दस्यु लेके भाग गया। अभी बेचारा भूखे मर रहा है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो कुछ विक्रय करने आया था आपके पास। परंतु इसके पास विक्रय के लिए है क्या? ये है मेरे पास, परंतु हम क्या करेंगे इसका? नहीं चाहिए हमें। अरे अरे, फिर तो शुद्ध हानि है आपको। स्वयं लक्ष्मी चल के आ रही है आपके पास और आप मना कर रहे हैं। वो कैसे? इसके बदले इसको केवल एक मुट्ठी चावल ही तो चाहिए। बस एक मुट्ठी चावल? बस एक मुट्ठी चावल। क्यों भाई, लाभ ही लाभ है। भैया ये मोल लाभ का है, पतिहान नहीं, ले लो इसे। अरे एक मुट्ठी चावल ही तो मांग रहा है मूर्ख। फिर तो उचित है। ये मुझे दे दो और मेरी पत्नी से एक मुट्ठी चावल ले लो। तो फिर तय हुआ, एका बदले में आप एको एक मुट्ठी चावल दे रहे हैं। अब हाँ हाँ, तो जाकर ले लो, पर हाँ ये मेरी पत्नी को जरूर दे देना। अवश्य, धन्यवाद। आओ आओ चलो आओ। अति मूर्ख आदमी। जी कहिए, क्या कार्य है? इसके बदले में आपके पति ने मुझे एक मुट्ठी चावल लेने को कहा है। केवल एक मुट्ठी चावल? हाँ एक मुट्ठी चावल, यही मूल्य तय हुआ है मेरा उनसे। पता नहीं मेरे स्वामी को ही ऐसे मूर्ख कहाँ से मिल जाते हैं। एक मुट्ठी चावल में अब इसे मोल लिया। आप यहीं ठहरिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है।
ये लीजिए एक मुट्ठी चावल। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए मेरा। स्वामी बचाइए, रक्षा कीजिए हमारी, स्वामी। अरे ये तो तुम्हारी भाभी का स्वर है, क्या हो गया अकस्मात? शीघ्र चलो। हाँ चलो। स्वामी बचाइए, रक्षा कीजिए हमारी। रुक जाओ, ये सब क्या है? छोड़ो मेरी पत्नी का हाथ। वही तो नहीं छोड़ सकता, अन्यथा मूल्य का अर्थ क्या रह जाएगा साहूकार जी? तात्पर्य तात्पर्य ये है कि इसे एक मुट्ठी चावल चाहिए, अर्थात इसे आपके पत्नी के मुट्ठी के साथ चावल चाहिए। किंतु ये कैसे संभव है कि चावल के साथ साथ कोई मुट्ठी भी ले ले? बिल्कुल संभव है साहूकार जी, और इसे संभव बनाया आप जैसे धूर्त और चालाक व्यक्ति ने, जिसने भद्रा के श्याम वर्ण बकरी के मोल में उसकी श्वेत बकरी भी ले ली। क्यों, सत्य कहा ना साहूकार जी? भैया हमें लगता है कि ये वही है। वही कौन? वही नहीं, ये प्रभु परशुराम जी हैं। तो क्या आप ही हैं हैवंश के क्षत्रियों के संहारक? परशुराम जी हैं? उचित पहचाना, यही प्रभु परशुराम जी हैं, जिनके भय से स्वयं यमराज भी कांप उठते हैं। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, प्रभु हमसे बड़ी भूल हो गई, हम इसकी बकरियां लौटा देंगे। हाँ प्रभु, क्षमा कर दो प्रभु। हाँ प्रभु, अब हम कभी किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, किंतु हमारा शीश मत काटिएगा, क्षमा प्रभु क्षमा। ठीक है, पहली और अंतिम चेतावनी, मेहनत करो, स्वयं धन कमाओ, किसी के साथ छल करके नहीं। हमें स्वीकार्य प्रभु। प्रभु परशुराम की जय हो, जय हो प्रभु परशुराम की। उनकी वजह से मुझे मेरी बकरियों का सही मूल्य मिल गया। जय हो प्रभु परशुराम की। कौन है? समक्ष आओ, दिखाई क्यों नहीं देते? कौन हो तुम? मैं हूं छायासुर, ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से निकलकर तुम्हारे लोक में आया हूं। क्यों आए हो यहां? तुम्हें ले जाने। ये असुर तो अभी भी यहीं खड़ा है, परंतु ये कैसे संभव है? ये सब क्या हो रहा है? मैं आगे भाग क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि तुम छायासुर के बंदी हो, मूर्ख मानव। तेरी परछाई अब मेरे अधिकार में है। भागना व्यर्थ है मूर्ख मानव। चाहते क्या हो तुम? सृष्टि में परिवर्तन। सृष्टि का परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? अधर्म की छाया का धर्म की छाया पर राज। तेरी छाया मैं ले जाऊंगा और अधर्म की छाया तुझे दे जाऊंगा। अधर्म की जय हो छायासुर की, जय हो छायासुर की। तुम दोनों ने अपने बारे में सत्य बताकर बहुत ही अच्छा किया। मनुष्य का भूतकाल कैसा था, इससे ज्यादा अधिक महत्व यह है कि उसका वर्तमान कैसा हो।
क्योंकि आगे चलकर वर्तमान ही भूतकाल बन जाता है। ये परिवर्तन तो प्रभु परशुराम के कारण हुआ है ऋषिवर। जी ऋषिवर, हम ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रभु परशुराम जी के आश्रम भी गए थे, किंतु प्रभु परशुराम हमें वहाँ नहीं मिले, इसीलिए हम आपके पास आ गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। कोई बात नहीं, ज्ञान ज्ञान ही होता है, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त कर लो। किंतु उसका उद्देश्य जन कल्याण के लिए ही होना चाहिए। तुम दोनों के भीतर प्रभु परशुराम के कारण जो परिवर्तन हुए हैं वो अद्भुत है। देख रहा हूँ इस धरती लोक में धर्म का प्रचार प्रसार कुछ अधिक ही हो गया है, किंतु कोई बात नहीं, छाया सुर इस लोक को अधर्मियों का अखाड़ा बना देगा। अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरुवर? बस मैं जो ज्ञान देता हूँ उसे गांठ बांध लो, तुम दोनों जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल रहोगे। ये क्या था, तुमने देखा कुछ? हाँ कुछ तो था, तीव्र गति से चला गया, पता ही नहीं चला। ऋषिवर, आप हमें कुछ ज्ञान की बातें बोलने वाले थे। ज्ञान चाहिए तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो अहिंसा को त्याग दो और शस्त्र उठाकर हिंसक बन जाओ। क्या? जो सत्य बोले उसकी जिह्वा काट दो। अरे ये क्या बोल रहे हैं? जो पूजा करे यज्ञ करे उसे छिन्न भिन्न कर दो, इस धरती को रक्त रंजित कर दो, तुम्हारे कटारों से रक्त सूखना नहीं चाहिए, समझे? ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? जी गुरुदेव, घोर अनर्थ। ये हमारा नहीं दैत्यराज छाया सुर का आदेश है, धर्म का नाश हो अधर्म की जय हो। चल, चल, चल। प्रभु 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 बचा लीजिए, प्रभु इस धरती को बचा लीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। क्या हुआ, इतने भयभीत क्यों? प्रभु लोगों के व्यवहार अकस्मात ही परिवर्तित हो रहे हैं, आमजन तो आमजन ऋषिगण भी असुर के प्रभाव से वंचित नहीं रहे। असुर? कौन है ये असुर? मैं बताता हूँ। प्रणाम पिता। प्रणाम पुत्र। ये छायासुर है पुत्र, इसने अपने प्रभाव से सभी ग्रामवासियों को पीड़ित कर रखा है, वो देखो। को अधर्मी बना दिया इस असुर ने, कुछ समय के लिए शांत हुए हैं, कुछ समय पश्चात ये पुनः लड़ेंगे, ये भी असुर के प्रभाव के कारण। परंतु ये छायासुर है कौन पितामह? तुम्हें स्मरण होगा पुत्र, जब तुम्हारा युद्ध असुर संकेत से हो रहा था उसी समय तुमने अपने धनुष से उस पहाड़ को ध्वस्त कर दिया था।
उसके कुछ टुकड़े ब्रह्मांड के एक ग्रह से टकरा गए। टकराने के पश्चात वह ग्रह अपने स्थान से हिल गए। उसी कारण वहाँ एक परछाई बनी जो धरती लोक पर आई। ये वही असुर छायासुर है। अभी तू ये चाहता क्या है? पृथ्वी लोक पर धर्म का नाश कर पाप और अधर्म का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है असुर। मैं इसकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तू मुझे ब्रह्मांड में कहां देख रहा है बालक? मैं तो तेरे समक्ष खड़ा हूँ, ये देख। अरे वाह, हाथ में धनुष बाण। पहली बार किसी ब्राह्मण को इस मुद्रा में देखा है। ब्राह्मण कब से योद्धा बन गए? बालक तो मुझे तू प्रतीत हो रहा है, जिसने अभी अपना खिलौना छोड़ अपने पालने के बाहर पांव रखा है। इसीलिए तू हमारे भूलोक की संस्कृति से निभिज्ञ है। तुझे कदाचित तो ज्ञात नहीं होगा, ये भूलोक, ये भूमि पहले ब्राह्मणों की ही थी, जिसे दान में क्षत्रियो को दी गई, ताकि ब्राह्मण कर्म कांड कर सके और क्षत्रिय तुझ जैसे दुष्टों का संहार। अच्छा, तो मुझे क्षत्रिय नहीं अभी तू ब्राह्मण प्रतीत होते हो, वो ब्राह्मण जो सदा से निर्बल रहे हैं। इसीलिए पहले ब्राह्मण धर्म निभा रहा हूँ, तुम्हें शास्त्र से समझा रहा हूँ, नहीं समझे तो उसके पश्चात शास्त्र से समझाऊंगा। दोनों उपचार है मेरे पास, इसीलिए समय से पहले अपने ये दुष्ट विचार लो और वहीं चले जाओ जहाँ से आए हो, अन्यथा अन्यथा छाया से जो चाहेगा वही होगा। हम बच गए, परंतु ये क्या, हम अपने स्थान से हिल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, मैं भी अपने स्थान से हिल नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि तुम अब छायासुर के बंदी हो और अब होगा तुम्हारा छाया परिवर्तन। छायासुर की जय हो, अधर्म की जय हो, छायासुर की जय हो, अधर्म की जय हो। इस असुर ने छाया परिवर्तन से असुर बना दिया है राम। शस्त्रों को फेंक सकते हो ब्राह्मण कुमार, किंतु तुम मेरी अधर्म की छाया को नहीं काट सकते हो। वो देखो, तुम्हारे कामवासी आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं। मेरी अधर्म की छाया में लड़ रहे हैं। अभी तो मैंने तुम्हारे सिर्फ कामवासियों को अधर्मी बनाया है, शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि को अधर्मी बनाऊंगा। और इससे पहले मैं तुझे खंडित खंडित कर दूंगा। पुत्र राम, समय अस्त्रों से ससुर का वध असंभव है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के ग्रह छाया से उत्पन्न हुआ है। क्या कहा आपने पितामह? यही कि यह छाया से उत्पन्न असुर है, इसका अंत असंभव है पुत्र। धन्यवाद महादेव,
मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझे यही ज्ञान देना चाहती हैं कि किसी भी अंधकार को अगर मिटाना हो तो उसके पीछे मत भागो, अपितु एक दीप प्रकाशित करो, अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्या सोच रहे हो ब्राह्मण कुमार, मुझे समाप्त करने का विचार बना रहे हो? छायासुर यूं ही समाप्त नहीं होगा, चलते हैं, पुनः मुलाकात होगी। रुक जाओ परशुराम, तुम जैसों से दोबारा नहीं मिलता। अच्छा तो फिर क्या, क्या मैं तुम्हारा वध करके जाऊं? प्रयास करके देख लो। ब्राह्मण, इससे पहले कि तू मुझ पर वार करे, मेरा ये शस्त्र तेरी परछाई पे नहीं, तेरे शरीर पे वार करेगा। ब्राह्मण, इससे पहले कि तू मुझ पर वार करे, मेरा ये शस्त्र तेरी परछाई पे नहीं, तेरे शरीर पे वार करेगा। ये शरीर जल क्यों रहा है? ये प्रकाश, रोको इसे, रोको। मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, रोको इसे, रोको इस प्रकाश को, रोको। दुष्ट, तुझे तभी यहां से चले जाना चाहिए था, तब समय था, किंतु अब तेरा समय समाप्त हो गया। रोको इस प्रकाश को, रोको। अब जाके यमराज से भेंट कर और अपने पापों का दंड भोग। मेरा शरीर जल रहा है, रोको इसे। ये अकस्मात हमें क्या हो गया था प्रभु? एक बुरी शक्ति का प्रभाव था जो अब समाप्त हो गया है, और इसके कारण भी हैं हमारे प्रभु परशुराम। जिस प्रकार पेड़ को ऊपर से काटने से वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक दो अधर्मियों को समाप्त करने से बुराई समाप्त नहीं होगी। यदि हमें बुराई को जड़ से समाप्त करना है तो हमें उसके जड़ पे प्रहार करना पड़ेगा, जिसकी नींव हमारी भूमि से कहीं दूर गड़ी हुई है। निकुम्बला, जय जय निकुम्बला, जय माता निकुम्बला की, जय निकुम्बला। मेरा तो बचपन से ही असुरों की सेना में जाने का स्वप्न था, और अब जाकर वो पूरा हुआ। तुम अपनी सुनाओ।
मेरी भक्ति तो आरंभ से ही लंकेश रावण के लिए रही है। हमारी कई पीढ़ियां आज भी उनकी सेवा में लगी हैं। ये लघु मुखा को क्या हुआ? चिंतित सा लग रहा है। आओ आओ पूछते हैं। चलो देखते हैं। क्या बात है लघु मुखा, कुछ चिंतित से लग रहे हो? बलि के लिए शीघ्र पशु लाएं। सुना किसी ने? राजमाता की जय हो। क्षमा करें, आज बलि के लिए हमारे महल में एक भी पशु नहीं है राजमाता। क्यों ना आज तुम्हारी ही बलि दे दी जाए, क्योंकि मेरे पुत्र लंकेश की पूजा की बलि तो टलने से रही। प्राणदान राजमाता, क्षमा कर दीजिए, पुनः भूल नहीं होगी। भूल पर क्षमा और दया का विधान नहीं है लंका में। सैनिको! जी राजमाता। ले जाओ इसे और इसकी भूल का उचित दंड दो इसे। जैसी आपकी आज्ञा राजमाता। चल चलो क्षमा राजमाता, चल राजमाता, चल क्षमा राजमाता, ले चलो इसे क्षमा राजमाता। काल नेमी! आज्ञा राजमाता। लंका में एक भी पशु नहीं है बलि के लिए। हो क्या गया है हमारे सैनिकों को? यदि मेरे पुत्र की पूजा अपूर्ण रही तो वो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। स्मरण है ना लंकेश के क्रोध का? क्षमा राजमाता, मैं भी तत्काल बलि के लिए पशु की व्यवस्था करता हूँ। शीघ्र जाओ और शीघ्र आओ। आज्ञा राजमाता। ये पक्षी, ये तो किसी मानव के द्वारा पाला गया पक्षी लगता है। प्रतीत होता है ये वहीं जा रहा है। क्यों ना बलि के लिए उसी मानव को पकड़ लिया जाए। हाँ? अरे अब ये पक्षी अकस्मात कहां लुप्त हो गया? गुरुदेव ऋषि ने स्मरण किया है। मुझे इस आश्रम के निकट किसी असुर के होने का आभास क्यों हो रहा है? बालकु, मैं जब तक ना लौटूं तब तक आश्रम से बाहर कोई नहीं जाएगा। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। पक्षी तो यहीं पर आया था, फिर कहां चला गया? बालक, अब राजमाता की पूजा अवश्य ही पूरी हो जाएगी, किंतु मैं इन सब बालकों में से बलि के लिए किसको ले चलूं? एक काम करता हूं, मैं सभी बालकों को बंदी बना लेता हूं। अब हर रोज राजमाता की हुड़की कौन सुनेगा? अवश्य ही यह किसी बड़ी शक्ति का कार्य है। अब इसके लिए एक ही युक्ति कार्य कर सकती है। भिक्षामी देही,
भिक्षा मिदेहि। मैं जब तक ना लौटू तब तक आश्रम से बाहर कोई नहीं जाएगा। कृपया भिक्षा ग्रहण करें योगी जी। किंतु भिक्षा के बीच में ये रेखा कैसी पुत्र? ये हमारे गुरुदेव ने हमारी रक्षा के लिए बनाई है। ओह, अर्थात तुम बंधन में हो। फिर तो मैं तुमसे इस ओर से भिक्षा नहीं ले सकता पुत्र। इसके लिए तुम्हें रेखा से बाहर आना होगा, अन्यथा कल्याण हो। क्या करूं? यदि रेखा से बाहर जाता हूं तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी, और यदि ये योगी ऐसे ही लौट जाते हैं तो धर्म की अवहेलना होती है। किंतु गुरु आज्ञा की अवहेलना दंड है, और धर्म की अवहेलना का दंड पाप है। अर्थात दंड के कारण मैं पाप नहीं कर सकता। रुकिए। मैं आता हूं। अब फंसोगे तुम मेरी चाल में बालक। क्या कर रहे हो मित्र मनीरथ? स्मरण नहीं है क्या? गुरुदेव ने इस घेरे से बाहर जाने के लिए मना किया था। स्मरण तो था, किंतु फिर भी बाहर जा रहे थे। तो क्या तुम्हारी तरह धर्म का त्याग कर दे? हाँ, एक भूखे योगी को द्वार से लौटाकर अधर्मी बन जाए। अच्छा, तो आप स्वयं ही भिक्षा लेने के लिए भीतर क्यों नहीं आ जाते योगी महाराज? मैं भीतर नहीं आ सकता, ये मेरा नियम है। फिर तो हमारा भी एक नियम है योगी जी, ना ही हम किसी धर्म को छोड़ते हैं, ना ही किसी आगंतुक या फिर भिक्षुक को बिना अपनी भिक्षा दिए जाने नहीं देते हैं। तो क्या तुम भिक्षा के लिए बाहर आओगे? अवश्य। अब आप अपनी झोली आगे फैलाइए योगी महाराज, ये आपको भिक्षा देने रेखा के बाहर ही आएगा। कब से इसी क्षण की प्रतीक्षा था, एक बार बस इस रेखा से बाहर आ जाओ बालक। लाओ दो। किंतु ये आपके पीछे भयानक सर्प कैसा? ये क्या उपास है? छोड़ मेरा हाथ। हमने कहा था ना, बिना आपकी सेवा किए आपको जाने नहीं देंगे, और गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना नहीं करने देंगे। भीतर खींचो इसको मित्रों। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। किंतु भिक्षा दिए बिना जाने भी नहीं देंगे योगी महाराज। खींचो मित्रों। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आशा करता हूं कि आप सभी को स्मरण होगा, शिक्षा दीक्षा के अंतिम पड़ाव पर मैंने कहा था उचित समय आने पर मैं आप सबकी अंतिम परीक्षा लूंगा। आज वो समय आ चुका है। हम सब उस परीक्षा के लिए तत्पर हैं गुरुदेव। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। हमारी अंतिम परीक्षा क्या है गुरुदेव? वृक्ष जो मृत शाखा है उसको हरित करना है, और इन पात्रों में उस वस्तु को भरना है जो संसार की सबसे व्यर्थ वस्तु है। यही आप सबकी अंतिम परीक्षा है।
मित्र, क्या यह संभव है? कदाचित हाँ भी और ना भी। मुझे तो असंभव प्रतीत हो रहा। परंतु गुरुदेव का यही आदेश है। बलि पूजा का समय निकला जा रहा है और किसी का कुछ पता नहीं है। सैनिकों! जी राजमाता। काल ने भी कहा है। राजमाता, वो अभी तक कोई भी पशु लेकर लौटे नहीं हैं। तो फिर एक काम करो, उसी उदंड सैनिक को स्नान करवा कर तैयार करो। आज लंका में प्रथम बार किसी पशु की जगह सैनिक की बलि दी जाएगी। जाओ। जी राजमाता। लंका में ये अकस्मात भूकंप कैसा? राजमाता, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? आप स्वयं देख लीजिए। घोर अनर्थ। महादेव का शिवलिंग इस तरह भूमि में कैसे धस सकता है? भूकंप से महारानी। और बल लगाओ। नहीं, ये कोई साधारण भूकंप नहीं हो सकता है। अवश्य ही ये लंका में किसी अशुभ का संकेत है, पर किसका? जहां कर्मकांड, पूजा, विधि, नियम आदि में दोष हो, वहां मनोरथ कभी सिद्ध नहीं हो सकता। लंकेश की माता कदाचित ये भूल गई है कि जहां मैं वास करता हूं वहां किसी प्रकार की बलि पूजा आदि वर्जित है। यदि मेरे इस संकेत को इन्होंने समय रहते नहीं पहचाना तो इसका परिणाम निश्चित रूप से भविष्य में सुखद नहीं होगा। गुरुदेव ने इस लकड़ी को हरित करने के लिए कहा है, लेकिन हरित कैसे करना है इसके लिए कोई निर्धारित विधि तो है नहीं। अब मैं इसे अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके ही हरित करता हूं। इसी प्रकार मैं संसार की सबसे व्यर्थ वस्तु भी शीघ्र ही पालूंगा। इस सूखे वृक्ष की शाखा को हरित करने का उपाय है मेरे पास। वृक्ष गिरकर सूख चुके इन पत्तों का भला अब क्या काम? कदाचित संसार की सबसे व्यर्थ वस्तु यही है। ना तो बालक हाथ लगा, ना ही कोई पशु। यदि शीघ्र ही मैंने पूजा के लिए बलि की व्यवस्था नहीं की तो आज मेरा अंत निश्चित है। ये तो कोई ब्राह्मण युवक लगता है। अब इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा।
तेरे पीछे तेरी मृत्यु खड़ी है ब्राह्मण युवा। आप यहां से भागने की सोचना भी मत। ऐसे कैसे हो सकता है इसने मुझे सुना नहीं? कहीं ये बहरा तो नहीं? क्या तू नेत्रहीन है? ये तो मुझे देख सकता है, किंतु ये मुझे अनदेखा क्यों कर रहा है? जानता नहीं है मैं कौन हूं? अगर तू मुझे जान गया होता तो मेरे चरणों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगना होता। मैं कालनेमी हूं, कालनेमी, महामायावी कालनेमी। मैं तेरी बलि देने के लिए तुझे बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले जाने वाला था, परंतु प्रतीत होता है मुझे तेरी बलि यहीं देनी होगी। और बल लगाओ, जोर से रस्सी खींचो, शिवलिंग को बाहर निकालो, बल लगाओ। और न जाने लंका में कैसा संकट आने वाला है। और बल लगाओ। कालनेमी, तुम तो बलि के लिए पशु लेने गए थे ना, फिर तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? नाम बताओ उसका। नाम तो कुछ बताया नहीं, किंतु कह रहा था धर्म का संहारक है वो। वो चाहे कोई भी हो, तुम्हें लंका की मान मर्यादा का ध्यान है भी या नहीं? तुम्हें कम से कम अपनी ये दुर्दशा तो नहीं बनवानी थी? तुम्हें स्मरण है ना, ये असुर राज लंकेश की नगरी है। ये उस दशानन की भूमि है जिससे देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, यहाँ तक कि नौ ग्रहों के देवता भी भय खाते हैं। अब मुझे उसका मस्तक चाहिए। जाओ, अपने साथ घनासुर और मेघासुर को ले जाओ। जो आज्ञा राजमाता। रुको, तुम फिर से यहां आ गए? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? छोड़ तो तुम्हें मैंने दिया था, और वो भी ये सोचकर कि तुम सुरक्षित अपने निवास स्थान पर पहुंच जाओगे, परंतु तुम तो अपने भाई भतीजे के साथ आ गए। तो तुम्हें इन्हें देखकर भय लगने लगा है? भय नहीं, दया आ रही है इन दोनों पर। इनके मरने के पश्चात अकारण ही इनके परिवार वालों को संताप और विरह करना पड़ेगा, और इसके कारण हो गए तुम। इसीलिए अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। ये यहाँ से लौटने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें यमराज के पास पहुंचाने के लिए आए हैं। गदासुर, देगासुर, युद्ध के लिए तैयार रहो।